देवभूमि उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन धार्मिक स्थलों, मंदिरों और आश्रमों के लिए जाना जाता है, उन्हीं में से एक आश्रम स्थित है नैनीताल जिले में पायलट बाबा आश्रम। पायलट बाबा का जो असली नाम था वो कपिल सिंह था और ये आश्रम गेठिया में स्थित है। चलिए चलते हैं अब आगे के सफर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अभी मैं जो है भुजियाघाट पहुंचने वाली हूँ। आज जो मैं जा रही हूँ वो है पायलट बाबा आश्रम, जो कि गेठिया में है। और अभी मैं जो है ढोलमार पहुंच गई हूँ। सनराइज भी हो गया ऊपर नैनीताल की पहाड़ियों में, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी। मैं जो है जोलीकोट से थोड़ा आगे पहुँच गई हूँ, जो जोलीकोट के पास में बैंड है वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वहीं पे है पायलट बाबा आश्रम, यहाँ से दिखाई दे रहा है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वही है। अभी मुझे अभी इतना रूट कवर करना है, जोलीकोट से आगे पहुँच गई हूँ मैं। जोलीकोट से आगे पहुँच के हमें दो रास्ते देखने को मिलेंगे, एक ऊपर जो है नैनीताल के लिए जाता है, हमें सामने के लिए जाना है गेठिया की ओर जो जाता है भवाली वाली रोड में, सीधे चलते रहना है यहाँ से। और अभी बस मैं गेठिया पहुँचने ही वाली हूँ, कुछ 4-5 किलोमीटर बचा होगा यहाँ से। इस वाली रोड में राइड करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, मतलब। और अभी मैं जो है तल्ला गेठिया पहुँच गई हूँ, बस मेरे सामने ही जो है पायलट बाबा मंदिर दिखाई दे रहा है उधर सामने, बस मुझे ये टर्न क्रॉस करना है और बस वहाँ पहुँच गई मैं। अभी बस मैं पायलट बाबा आश्रम पहुंच गई हूँ। यहाँ पे बड़ी सी बजरंग बली की यहाँ पे मूर्ति है, ये देख सकते हैं। अभी मैं आगे से जाऊँगी, यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता आगे से है, यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे बजरंग बली के अलावा सुग्रीव और भी कई कई मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। चलिए अब यहाँ से अंदर चलती हूँ। ये देखिए बहुत ही बड़ी मूर्ति है जय बजरंग बली। यहाँ पे आश्रम में जो मंदिर है माता का वहाँ पे जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखिए यहाँ पे जो कलाकारी की गई है बहुत ही अच्छी है। ये है माता की मूर्ति यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, जय माता दी। और माता के यहाँ पे जो 9 स्वरूप हैं वो उनकी अलग अलग मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की मूर्तियाँ यहाँ पे। पे आश्रम में जाने का द्वार, श्री पायलट बाबा आश्रम। आपम नमामि मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये,
अंजनी गर्भ संभूतम वायुपुत्र सनातनम कुमारो ब्रह्मचारी तस्मयी श्री हनुमते नमः। तस्मयी श्री हनुमते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। ये देखिए सामने वाली पहाड़ी में नैनीताल है, और अभी मैं यहाँ वापस जा रही थी घर के लिए, तो यहाँ पे रास्ते में ही उपवन है एक, तो इधर चलती हूँ अभी थोड़ी देर। यहाँ पे बैठिए, जो उपवन है बहुत ही सुंदर बना रखा है। यहाँ रास्ते में अगर कहीं दूर से आ रहे हैं और रेस्ट करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सामने नज़ारे बहुत ही सुंदर है, एकदम जंगल के बीच में है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीचे माँ नंदा सुनंदा की जो है तस्वीर भी लगी हुई है। नीचे देखिए छोटा सा पॉन्ड भी बना रखा है नीचे, और डाउन में इसके नीचे जो है बैठने का भी है। इधर देखिए ऐसे छोटे छोटे बैठने के लिए बना रखे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छी जगह है। मतलब पायलट बाबा आश्रम जो है हल्द्वानी से 30 किलोमीटर की दूरी पे ही है और पास में ही है, तो यहाँ पे हम आ सकते हैं देखने के लिए। पूरा आश्रम एकदम राजा महाराजा वाली फीलिंग देता है। अभी अंदर तो मुझे नहीं जाने दिया वहाँ पे, लेकिन जो मंदिर था माता का वो भी बहुत ही अच्छा बना रखा था। वहाँ पे जो नक्काशी की गई थी, जो कलाकारी थी, बहुत ही अच्छी थी मतलब। और माता के 9 रूप वहाँ पे थे, अलग अलग मूर्तियाँ थी सब। आश्रम में भी ऐसी ही है, अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और जो कलाकारी की गई है बहुत ही अच्छी है। इंडियन एयरफोर्स में जो है विंग कमांडर थे, तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, बताते हैं कि इनका जो आध्यात्म की ओर रुझान हो गया, तो फिर इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है आध्यात्म को समर्पित कर दिया। उसके बाद इन्होंने कई और आश्रम भी हैं इनके इंडिया में, और ये हल्द्वानी में जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ पे है गेठिया के पास में। और बहुत दूर दूर से मतलब विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं इनके आश्रम में, स्कूल वगैरह भी चलते हैं, योगा मेडिटेशन ये सब कुछ बहुत कुछ होता है यहाँ। आजकल कोविड की वजह से बंद है, मतलब ऐसे कलाकारी और नक्काशी वाली जो जगह है वो देखने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो पायलट बाबा आश्रम को एक बार जरूर देखना चाहिए, वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी अंदर तो नहीं जाने दिया, लेकिन जो माता का मंदिर है वहीं पे इतनी अच्छी नक्काशी की गई है, बहुत ही अच्छा बनाया गया, तो ऐसे अंदर भी है आश्रम के, तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। ऊपर से इतने पास में ही है हमारे, और कहते हैं ना दुनिया में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, अपने आसपास से ही शुरू करो, तो थोड़ा सा नज़रें दौड़ाने की देरी है, बहुत कुछ है देखने के लिए। हल्द्वानी के इतने पास में ही है, बहुत बार हम यहाँ से गुजरते थे, मतलब मुझे भी नहीं पता था पहले इस आश्रम के बारे में कि इतना अंदर ऐसा कुछ है। ऐसी कुछ मैं देख रही थी, कहीं पर पढ़ रही थी, वीडियोज़ वगैरह देखी, तो सोचा कि यहाँ पर आ जाती हूँ। आ सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छी सी राइड भी हो जाती है और अच्छी खासी क्लाइंब करने को भी मिल जाती है इस रोड में, और इतनी अच्छी जगह देखने को भी मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे तो। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे टहल रही थी नीचे, जो उपवन है पूरा नीचे देख के आई। अब मैं जो है वापस चलती हूँ घर के लिए। तो दोस्तों वीडियो को जो है यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।